Today we will study about subject science, chapter number 4, birds. बच्चों आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 4 बर्ड्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं. पार्ट का नाम क्या है? बीक्स ऑफ बर्ड्स. बीक समझते हैं ना? बीक जो होती है इसको बोलते हैं, चोंच को बोलते हैं. जैसे कि हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि बर्ड्स क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, पक्षी जमीन पर रहते हैं, और वो क्या खाते हैं, उनके खाने की कौन सी चीज़ें होती हैं. कुछ जो पक्षी होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि डक है, ये सब पानी के पास रहते हैं. तो अब हम इस सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? बीक्स ऑफ बर्ड्स. और हमने ये भी पढ़ा कि जो पक्षी होते हैं उनके फेदर होते हैं, फेदर यानी पंख होते हैं. सब पक्षियों के पंख अलग अलग होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के फ्लफी होते हैं, किसी के चपटे होते हैं. तो इस प्रकार पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा, और अब इनकी हम बीक्स यानी चोंच के बारे में पढ़ेंगे. बर्ड्स ईट्स विद देयर बीक्स, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो किससे खाते हैं? अपनी बीक्स यानी चोंच से खाते हैं. दे डू नॉट हैव टीथ, उनके पास टीथ यानी दांत नहीं होते हैं. द साइज एंड शेप ऑफ द बीक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड देयर द बर्ड्स ईट. और इसका शेप और साइज कैसा होता है? फूड जो उनको जो भी खाना होता है वो अपने हिसाब से चूज करते हैं और खाते हैं. ह्यूमन बर्ड्स, यहाँ पर मैंने देखी कुछ बोर्ड पर पिक्चर बनाई है. फर्स्ट पिक्चर इज ह्यूमन बर्ड. ह्यूमन बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटा पक्षी होता है, जिसे ह्यूमन बर्ड्स कहते हैं. कैसे इसकी जो कैसी होती है, वो कहते हैं बोर्ड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लाइक बी मेन फीड ऑन एक्ट. और इसकी जो चोंच होती है वो बहुत छोटी होती है. द सेकंड वन इज पिजन्स. क्या होते हैं? यानी कबूतर होते हैं. वो क्या होते हैं? उनके स्मॉल एंड शॉर्ट बीक. उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? छोटी और बहुत स्मॉल यानी बहुत छोटी होती है. मेनली ईट सीड. और ये सब क्या खाते हैं? सीड्स यानी बीज खाते हैं. ह्यूमन बर्ड्स ईट मेनली ऑन नेक्टर. ह्यूमन बर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुज्जर पक्षी बोलते हैं. और ये मेनली फीड्स ऑन नेक्टर. क्या खाते हैं? फूलों का रस खाते हैं. इनका जो भोजन होता है फूलों का रस होता है, फूलों की जो मिठास होती है वो ये खाते हैं. इनका ये भोजन होता है. देयर लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक बीक्स हेल्प टू द फ्लावर्स. और इनकी जो चोंच होती है ये फूलों को रस देने में काम आती है. द स्मॉल एंड शॉर्ट बीक्स ऑफ पिजन हेल्प देम टू ईट थिंग्स. और जो पिजन्स यानी जो कबूतर होते हैं उनकी शॉर्ट यानी बहुत छोटी चोंच होती है, जिसके सहायता से वो क्या करते हैं? ग्रेन यानी जो भी अनाज होता है, बीजे होती है, उनको आराम से चुनकर खा सकते हैं. पैरेट ईट सीड एंड नट्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक्स. जो पैरेट्स होते हैं यानी जो तोते होते हैं, उनके पास क्या होता है? उनकी जो चोंच होती है वो बहुत तेज होती है और कर्व्ड यानी थोड़ी फूली हुई होती है. स्पैरो ईट्स टेंडर प्लांट्स एंड सीड्स. और जो स्पैरो जो गौरैया होती है वो इंसेक्ट्स के कीड़े खाते हैं, टेंडर प्लांट्स खाते हैं. दैट इज व्हाई दे हैव शॉर्ट एंड स्मॉल बीक्स. स्पैरो लिव एवरीवेयर. और इसके इसकी वजह ये है कि इनके पास उनकी जो चोंचें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और दे लिव एवरीवेयर यानी स्पैरो की जो गौरैया होती है वो हर जगह पाई जाती है, वो कहीं भी रह सकती है. दिस इज अ पिक्चर, लुक एट द बुक. देयर इज अ पिक्चर ऑफ पैरेट एंड स्पैरो. पैरेट में क्या है? पैरेट कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक. देखिए इनकी जो चोंचें बनी है, चोंच बनी है, ये कैसी है? थोड़ा मुड़ी हुई है. और ये क्या खाते हैं? फ्रूट्स यानी फल और सीड्स यानी बीज खाते हैं. और सेकंड वन इज द पिक्चर ऑफ स्पैरो यानी गौरैया. ये क्या करते हैं? इनके जो चोंच होती है वो स्मॉल एंड शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है. ईट सीड्स टेंडर प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. और ये क्या खाती है? टेंडर प्लांट्स खाती है, सीड्स यानी बीजें खाती है, और प्लांट्स यानी कुछ पौधे भी खाती है. डक्स मेनली ईट कॉर्न्स एंड टेंडर प्लांट्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डक. ये डक की मैंने पिक्चर बनाई है. बोर्ड एंड फ्लोट बीक. और इसकी जो चोंच होती है ये थोड़ा सा फूली हुई होती है, ऐसी होती है.
निकल जाते हैं. Their broad, strong and long beak help them in plucking food and eating them. उसकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो कैसी होती है? थोड़ा लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है. प्लकिंग फूड एंड ईटिंग देम किस लिए होती है? जिससे वो अगर किसी चीज को खाना चाह रहा है तो वो पकड़ने के काम आती है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ टोकस एंड टेल. देखिए इसकी जो बीक बनी है ये थोड़ा लंबी और घुमावदार है. इसकी मदद से ये क्या करते हैं कि अपने फूड को पकड़ने में इनको आसानी होती है और आसानी से ये फ्रूट्स और जो भी खाना चाहते हैं पकड़ कर खा लेते हैं. The strong, long and tasteful beak of woodpecker help them to bore holes on trunk on trees and take out insects from there. और जो दूसरा एक पक्षी होता है woodpecker, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, woodpecker जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों पर होल करते हैं और उनकी चोंच बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो क्या करते हैं, उसके जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि पेड़ों पर अगर होते हैं तो उनको पकड़ के खाने में उन्हें आसानी होती है हिंदी में. ठीक है. पेलिसंस ईट फिश. और जो पेलिसंस पक्षी होता है क्या करता है, फिश यानी मछली खाता है. दे हैव अ ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक ऑन द पाउच. और उसके मुंह में एक बहुत लंबी सी बीक होती है जो कि बहुत पीली होती है. Eagles and owls have strong, sharp and hooked beaks. Eagle और owl यानी उल्लू, इन लोगों की जो बीक होती है बहुत लॉन्ग नहीं होती है, थोड़ा छोटी होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत होती है और बहुत तेज होती है, sharp means तेज होती है. Eagles feed on small animals such as mice and eagle होते हैं वो क्या खाते हैं, छोटे जानवर खाते हैं जैसे कि माइस यानी जो चूहा होता है, चूहिया, रैबिट्स एंड स्नेक्स. Owl feeds at night mostly on mice and frogs. और जो owl होते हैं वो क्या खाते हैं, रात में ज्यादातर चूहे खाते हैं और frogs यानी मेंढक खाते हैं. Peacock feeds on snakes, frogs, garden lizard, tender leaves and seeds. और जो peacocks होते हैं वो क्या खाते हैं, देखिए look at the picture. This is a picture of peacock and eagles. और ये जो peacock है ये क्या खाते हैं, snakes खाते हैं. गार्डन लिजर्ड यानी जो बगीचे में जो छिपकली पाई जाती है, टेंडर लीव्स खाते हैं. दे आर बीक्स आर स्ट्रांग, शार्प एंड पॉइंटेड. और इन लोगों की जो चोंच होती है बहुत तेज धारदार होती है और वो पॉइंटेड होती है. फीट ऑफ बर्ड्स. फीट, लुक एट द पिक्चर. फीट ऑफ बर्ड्स, फीट यानी जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं. देयर इज अ पिक्चर ऑफ क्लॉज ऑफ पर्सिंग बर्ड्स. क्लॉज ऑफ पर्सिंग बर्ड्स का ही मैंने पिक्चर बनाया है. इनके पैर यानी पंजे कैसे होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं और खुले हुए होते हैं. देखिए इसमें मैंने एक पेड़ की डाल बनाई जिसको ये लोग ऐसे ही पकड़े हुए हैं. आपके बुक में भी ये दिया गया है कि ये पिक्चर है और इसमें इनको इनके पैरों को ऐसी इसकी बनावट होती है कि पंजों से किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ सकते हैं. तो फीड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. फीड्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के पैर कैसे होते हैं, पंजे कैसे होते हैं. हैव टू फीड्स यानी कि जो भी पक्षी होते हैं सबके दो पैर होते हैं. ईच फूड हैज फोर टोज. और जो भी उनके पैर होते हैं उनके चार यानी कि जो पंजे होते हैं. दैट कैन इन आर कर्व्ड एंड पॉइंटेड क्लॉ. और लास्ट वो मुड़े हुए कर्व यानी मुड़े हुए होते हैं और क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, उसमें नोक बनी हुई होती है. डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट. और जितने भी पक्षी होते हैं सबके पैरों की बनावट अलग अलग होती है और वो घुमावदार होते हैं, किसी के मुड़े हुए होते हैं, किसी नुकीले हुए होते हैं, किसी में छोटे छोटे नाखून होते हैं, किसी में बड़े होते हैं. इस प्रकार से बर्ड्स के कई तरह के पैर होते हैं और उनकी बनावट अलग अलग होती है. इसमें भी कई तरह के होते हैं पैर. पर्सिंग बर्ड जो होते हैं, मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स ऑन लिव ऑन ट्रीज. पर्सिंग बर्ड जो होते हैं कैसे होते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं. दे यूज देयर फीट टू मूव ब्रांचेस वन ऑफ ट्रीज ऑफ वुड. और ये जो होते हैं इस प्रकार के पक्षी, ये अपने पैर से एक डाल से दूसरी डाल पर
कोई भी भोजन या खाने के लिए आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी एक पैर से दूसरे पैर आराम से चले जाते हैं। Their feet are shaped to grip the branches, और उनके जो पैर होते हैं to grip the branches, तो grip means पकड़ना, जो branches यानी जो पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं, उनको पकड़ कर एक से दूसरी तरफ जाने में उन्हें उसने उसकी सहायता मिलती है। Parrots, kingfisher and tortoises have such feet, और इसका example क्या है, parrots यानी जो तोते होते हैं उनके भी पैर ऐसे होते हैं, kingfisher के होते हैं और tortoises के होते हैं। Swimming birds, कुछ birds ऐसे होते हैं जो swim करते हैं यानी तैरते हैं। The toes of water birds such as ducks and swan are joined by a soft and thin skin, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं पक्षी, जैसे कि duck, swan यानी हंस, ये जो पक्षी होते हैं ये पानी में पाए, मतलब पानी में ये तैरते हैं और क्या करते हैं, such kind of feet are called duck feet, और उनके जो पैर होते हैं जो वो आपस में उनके पंजे जुड़े हुए होते हैं जिसकी सहायता से ये आराम से तैरते हैं और डूबते नहीं है। इस प्रकार के पंजों को हम क्या बोलते हैं, वेब फीट्स यानी जुड़े हुए पंजे, which enable these birds to swim, जिसकी सहायता से ये आराम से स्विम करते हैं यानी तैरते हैं। तो कैट द पिक्चर ऑफ द वेब फीट ऑफ डक, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। नेक्स्ट वन इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश खाते हैं। बर्ड्स सच एज हॉक्स एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग फीट विद शार्प क्लॉज, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं पक्षी होते हैं उसमें हॉक्स और ईगल्स ऐसे होते हैं जिनके पैर बहुत शार्प यानी तेज होते हैं और उसके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत धारदार यानी नुकीले होते हैं। दे आर कॉल्ड टैलन, उनको क्या बोलते हैं, टैलन बोलते हैं, विच हेल्प देम कैच एंड ग्रिप स्मॉल एनिमल्स बिटवीन देयर टोज व्हाइल फ्लाइंग, और उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, किसी भी दूसरे छोटे जानवर का अगर वो शिकार करना चाह रहे हैं खाने के लिए तो अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच में उनको पकड़ के आराम से उड़ सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ टोज ऑफ टेल, देखिए ये बने इतने लंबे हैं और ये ऐसे इनों के बीच में क्या करते हैं, छोटे जानवर जो वो खाते हैं उनको अच्छे से पकड़ के ग्रिप करके आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। वेडिंग बर्ड्स, एक तरह की बर्ड्स होती हैं, वेडिंग बर्ड्स में भी काइंड ऑफ बर्ड ऑन इंसेक्ट्स फ्रॉग एंड फिश लिविंग ऑन शैलो वाटर, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कि जो फीड मेनी काइंड ऑफ बर्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ये खा खाते हैं इंसेक्ट यानी कीड़ों को खाते हैं, फ्रॉग यानी मेंढक खाते हैं, फिश यानी मछलियों को खाते हैं, लिविंग इन शैलो वाटर, और कहाँ पर वो रहते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं। दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स विद लॉन्ग टोज, और उनके पैर कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। दे आर लेग्स एनेबल देम टू वेट मूव ऑन सॉफ्ट एंड वेट लैंड, और वो जमीन से कोई भी चीज आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं अपने पैरों की सहायता से। रनिंग बर्ड्स, रनिंग बर्ड्स क्या होते हैं, ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स, ऑस्ट्रिच यानी किसे बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं, जो कि शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और इसके पैर बहुत लंबे होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत होते हैं। दे हैव ओनली टू टोज ऑन ईच फुट, और उनके पैरों में सिर्फ दो पंजे होते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, जिसकी वजह से वो कभी उड़ नहीं सकते हैं, सबसे तेज दौड़ते हैं लेकिन कभी उड़ नहीं सकते हैं। द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टोज हेल्प देम टू रन फास्ट, और इसी की वजह से ये बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। ऑल द अबव एग्जांपल टीच अस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड फीट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूज्ड बाय द बर्ड, और इस प्रकार बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जिसका स्ट्रक्चर रूप में दिया है, हम आपको बता सकते हैं कि उनके फीट कैसे हैं और उसकी